अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज तैयार कर लेते हैं मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एंड टेस्टी सी ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर। देखते हैं इसकी डिटेल रेसिपी कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम कढ़ाई मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 3 से 4 ड्राई रेड चिली, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 to 4 क्लोव एंड 2 to 3 ग्रीन इलायची। इन सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे तब तक कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। देन हम इसे कोर्सली यानी दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पर तैयार हो जाएगा हमारा कढ़ाई मसाला। देन यहाँ पर सेम पैन में मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम, टमेटो एंड अनियन लिया है, जैसे मैंने स्क्वायर डाइसेस में कट कर लिया है कुछ इस तरीके से। इस तीनों वेजिटेबल्स को हम ऐड कर लेंगे एंड सॉटे कर लेंगे। हाई फ्लेम पे सॉटे करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा। अच्छी तरीके से सॉटे हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स ऑफ पनीर लिया था, उसे भी मैंने सिमिलर क्यूब्स में कट कर लिया था कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये पनीर के क्यूब्स को भी हम ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से सॉटे होने के बाद इसे निकाल के रख देंगे साइड में। फिर हमने पैन में ऐड कर लिया है 1/2 कप ऑयल, ये ग्रेवी के लिए, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा। ज़ीरा जब क्रैकल होने लग जाए उसमें हम ऐड कर लेंगे 2 मीडियम साइज़ के अनियन, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे एंड इसे हम लाइट सा पिंकिश होने तक के फ्राई कर लेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंकिश हो जाए कुछ इस तरीके का। दम इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड यहाँ पे मैंने 4 टमेटोज को ब्लेंड करके प्यूरी तैयार कर ली थी, उसे भी हम इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। एक बार जब ये अच्छी तरीके से भून जाए टमेटोज एंड अनियंस, फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर एंड 1 पैकेट ऑफ मैजिक मसाला जो 5 रुपीज़ वाला आता है। अच्छी तरीके से सारे मसालों को हम भून लेंगे एंड इसे हम ढक के रख देंगे जब तक कि इसका ऑयल ना सेपरेट हो जाए, ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से भून जाए। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर टॉप पे आ गया है। जो हमने स्टार्टिंग में कढ़ाई मसाला तैयार कर लिया था उसमें से 2 टेबल स्पून ऑफ कढ़ाई मसाला हम इसमें ऐड कर लेंगे एंड इसे फर्दर हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि ये कढ़ाई मसाला भी अच्छी तरीके से भून जाए। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारे सौते किए हुए वेजिटेबल्स एंड पनीर। अच्छी तरीके से इसे एक मिक्स दे देंगे सारे मसाले, ताकि पनीर एंड वेजिटेबल्स को कोट कर ले। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी, 2 से 3 ग्रीन चिली स्लिटेड, खूब सारा धनिया पुदीना एंड लास्टली हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है, आप दूध के ऊपर की मलाई लेके अच्छी तरीके से विस्क करके उसे भी ऐड कर सकते हैं। एंड तैयार हो गया था हमारा बहुत ही सिंपल एंड ज़बरदस्त सा कढ़ाई पनीर, वो भी ढाबा स्टाइल। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। आते रहोगे आपके पास ऐसी और रेसिपीज़ के साथ। बाय द टाइम आप ये बनाएं, खाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलाएं एंड खूब सारा इन्जॉय कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।